Dear students, welcome in the lecture on metal alkoxides. तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस लेक्चर में, जहां पर हम मेटल एल्कोक्साइड्स के बारे में पढ़ेंगे. और आप देखेंगे कि जो मेटल एल्कोक्साइड्स हैं, इनका जनरल इंट्रोडक्शन आप देखेंगे, इनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, और आप देखेंगे कि ये जो मेटल एल्कोक्साइड्स हैं कि कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस एंड व्हाट आर देयर एप्लीकेशंस. तो जो कोई भी हम किसी भी कंपाउंड के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका, वो है उसकी एप्लीकेशंस. तो जब तक हमें उसकी एप्लीकेशंस पता नहीं होंगी, तब तक हमें ये नहीं महसूस होगा कि वो कंपाउंड कितना इम्पोर्टेंट है. वो अगर हम मेटल एल्कोक्साइड्स को देखें, तो उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, MORX, जहां पर M क्या है, एक ऐसा मेटल है जिसकी वैलेंसी क्या है, X है, और R क्या है, एक एल्काइल या एराइल ग्रुप होगा. ओके, तो जनरल फॉर्मूला हो गया MORX. तो यहां पर आप देखेंगे जो एल्कोक्साइड्स होते हैं, एक्चुअली दे आर सॉल्ट लाइक कंपाउंड्स. जहां पर आप देखेंगे OR के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, जो कि एक एल्कोक्साइड आयन कहलाता है. और एल्कोक्साइड्स जनरली कैसे जनरेट होते हैं, दे आर जनरेटेड फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से जनरेट होते हैं. और जब एल्कोहल की मेटल से रिएक्शन करते हैं, तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि एल्कोक्साइड्स का बनना होता है. अगर हम देखेंगे होमोमेटल एल्कोक्साइड्स को, तो होमोमेटल एल्कोक्साइड्स मीन्स एक तरीके के मेटल होंगे एल्कोक्साइड में. दूसरे तरीके के जो मेटल एल्कोक्साइड्स हैं, वो हेट्रोमेटल एल्कोक्साइड्स हैं, मतलब दो या दो से अधिक तरीके के मेटल्स उस एल्कोक्साइड्स में होंगे. और जो मेटल्स एल्कोक्साइड्स बना सकते हैं, वो कौन है, वो एल्कली मेटल्स हैं, वो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, वो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, वो लेंथेनाइट्स हैं, एक्टिनाइट्स हैं, पी ब्लॉक मेटल्स हैं. तो आप देखेंगे जो लगभग कंप्लीट पीरियोडिक टेबल जो आपको दिखाई देगी, जो कि वहां के जो एलिमेंट्स हैं, वो मेटल एल्कोक्साइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं. फिर आप देखेंगे जो मेटल एल्कोक्साइड्स हैं, उनका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे. क्लासिफिकेशन बेस्ड है आर ग्रुप के नंबर के ऊपर, कितने आर ग्रुप प्रेजेंट हैं. तो अगर आप देखेंगे, अगर उसमें एक आर ग्रुप है तो नॉर्मल एल्कोक्साइड है, अगर दो आर ग्रुप है तो सेकेंडरी एल्कोक्साइड है, अगर तीन आर ग्रुप है तो टर्शियरी है. तो जैसे हम टर्शियरी जो एल्काइल ग्रुप्स की बात भी करते हैं हम, कि जो जब तीन ग्रुप होंगे तो टर्शियरी होता है, जब दो होते हैं तो सेकेंडरी होता है, उसी तरीके से एल्कोक्साइड्स को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं. दूसरे तरीके का जो क्लासिफिकेशन है, वो बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ मेटल एंड नंबर ऑफ मेटल, कितने मेटल हैं, किस तरीके से वो मेटल्स जो है अरेंज है, वो जो मेटल एल्कोक्साइड्स हैं वो किस तरीके से जो एल्कोक्साइड्स उसको प्रिपेयर करते हैं, क्या वो मोनोमेरिक होते हैं या वो डाइमेरिक होते हैं या वो पॉलीमेरिक होते हैं. तो नॉर्मल एल्कोक्साइड्स क्या होंगे, जहां पर एक ही मेटल होगा और वहां पर मोनोमेरिक एल्कोक्साइड्स का प्रिपरेशन होगा. दूसरे तरीके के जो एल्कोक्साइड्स हैं, वो डबल एल्कोक्साइड्स हैं. डबल एल्कोक्साइड्स मींस दो तरीके के मेटल्स उस एल्कोक्साइड्स में होंगे, जैसे यहां पर सोडियम भी है और Al भी है, और इनको हम हेट्रोमेटालिक और बाईमेटालिक एल्कोक्साइड्स भी कहते हैं. तीसरे तरीके के जो एल्कोक्साइड्स हैं, वो पॉलीमेरिक एल्कोक्साइड्स हैं, जहां पर आप देखेंगे जो एल्कोक्साइड्स हैं वो पॉलीमेरिक फॉर्म में मिलते हैं. तो इस तरीके से हम एल्कोक्साइड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं. अब हम जान गए हैं कि जो मेटल एल्कोक्साइड्स होते हैं वो कैसे क्लासिफाई किए जा सकते हैं. तो हम उनकी करेक्टरिस्टिक देखेंगे कि जो मेटल एल्कोक्साइड्स हैं उनकी करेक्टरिस्टिक क्या होती है. तो अगर आप देखेंगे जो MOC बॉन्ड है मेटल एल्कोक्साइड्स में, वो पोलराइज्ड होता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन क्योंकि बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसकी वजह से ये पोलर बॉन्ड होता है यहाँ पर. और एल्कली मेटल जो लेंथेनाइट्स होते हैं या एल्कली मेटल्स होते हैं, वो आयरिक सॉलिड्स बनाते हैं जो उनके एल्कोक्साइड्स होते हैं, जबकि जर्मेनियम और सेलेनियम के जो एल्कोक्साइड्स होते हैं कोवलेंट होते हैं नेचर में. और जो कोवलेंट नेचर है M और O बॉन्ड का, वो कैसे इफेक्टेड होता है, दैट इज अफेक्टेड बाय द R ग्रुप. अगर R ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो MO बॉन्ड का जो कोवलेंट करेक्टर होगा वो क्या होगा, अधिक होगा. इसीलिए जो टर्शियरी ग्रुप्स होते हैं, R ग्रुप अगर टर्शियरी ग्रुप्स होंगे तो फिर वो क्या करेंगे, MO बॉन्ड का जो कोवलेंट करेक्टर है वो और बढ़ाएंगे. अगर हम इस मेटल एल्कोक्साइड्स की प्रिपरेशन पर जाएं, तो हम देखेंगे अलॉट ऑफ मेथड्स आर देयर, जहां पर आप देखेंगे कि कहीं पर मेटल
का यूज कर रहे हैं, कहीं पर मेटल क्लोराइड का यूज करेंगे, कहीं पर एल्कोक्साइड से प्रिपेयर किया जाएगा, तो डिफरेंट मेथड्स हैं जहां पर हम एल्कोक्साइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला मेथड किस पर बेस्ड है, जब मेटल की रिएक्शन एल्कोहल से डायरेक्ट की जाएगी इन अब्सेंस ऑफ, कोई अमोनिया का भी यूज नहीं है यहाँ पर, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स हैं जनरली जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो आसानी से एल्कोहल से रिएक्ट कर लेते हैं, और एल्कोहल से रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएंगे, एल्कोक्साइड, जैसे यहां पर सोडियम एल्कोक्साइड बन गया और साथ में हाइड्रोजन जो गैस है वो इवॉल्व होती है। यहीं पर अगर हम देखेंगे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, इनकी रिएक्शन ROH से उतनी आसानी से नहीं होती जितनी सोडियम की होती है, तो ये क्या करते हैं, इनका अगर हमें रिएक्शन करवाना है अल्कोहल के साथ तो कुछ कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे आयोडीन है, मर्क्यूरी क्लोराइड है, ये कैटालिस्ट की तरह एक्ट करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ देयर एल्कोक्साइड्स। दूसरा जो मेथड हम देखेंगे, यहां पर हम देखेंगे कि जो एल्कोहल से वो कैसे रिएक्ट करते हैं और कौन से एल्कोहल हैं जो आसानी से एल्कोक्साइड्स प्रिपेयर करते हैं जब मेटल एल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है। तो आप देखेंगे कि यहां पर पहले हम अगर एक बॉन्ड को डिस्कस कर लें कि COH, अगर मैं बात करूं एक एल्कोहल की जहां पर ROH उसका फॉर्मूला है, तो वहां पर आप देखेंगे COH, ये जो बॉन्ड है यहां पर दो तरीके के बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, CO बॉन्ड एंड OH बॉन्ड। तो ये यहां पर ये जो OH बॉन्ड है ये भी पोलर हो सकता है और CO बॉन्ड भी पोलर हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा आता है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आप देख रहे हैं। तो ये जो CO बॉन्ड है ये अधिक पोलर है, तो क्या होगा अगर OH बॉन्ड अधिक पोलर होगा तो क्या होगा, तो आप देखिए अगर CO बॉन्ड अधिक पोलर है और OH बॉन्ड कम पोलर है तो बॉन्ड ब्रेकेज कहां से होगा, CO से, क्योंकि CO ज्यादा पोलर है। अगर OH अधिक पोलर है और CO कम पोलर है तो बॉन्ड ब्रेकिंग कहां से होगी, OH से होगी। तो आप देख सकते हैं जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो OH से हो रही है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग है C और O के बीच की, ये टर्शियरी एल्कोहल्स के केस में होती है। अब हमें देखना यह है कि जो CO बॉन्ड है वो कहां पर अधिक पोलर होता है और OH बॉन्ड कहां पर अधिक पोलर होता है। अब यहां पर आप देखिए कि यहां पर C से जो तीन ग्रुप R ग्रुप है वो तीनों के तीनों मिथाइल ग्रुप है, यानी वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। जब वो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे तो ऑक्सीजन को की जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है उसको और बढ़ाएंगे, तो इस तरीके से आप देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो पोलर हो जाएगा। और अगर ये बॉन्ड पोलर होगा तो कहां से टूटेगा, बॉन्ड CO से। ओके, अब आप देखें यहां पर दो मिथाइल ग्रुप है तो यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा, इसलिए CO का जो बॉन्ड है वो कम पोलर होगा। और अगर एक मिथाइल ग्रुप होगा तो ये जो CO की जो पोलैरिटी वो और कम हो जाएगी, मतलब OH की पोलैरिटी बढ़ जाएगी। तो इस केस में आप देखेंगे जो बॉन्ड का ब्रेकेज है वो O और H के बीच में होगा और यहां पर एल्कोक्साइड आसानी से बनेगा। एल्कोक्साइड कैसे बनेगा, जब एल्कोहल का एच जो है वो रिप्लेस होगा किससे, मेटल से। तो ये एच कब रिप्लेस होगा, जब OH बॉन्ड जो है अधिक पोलर होगा। ये कब पोलर होगा, जबकि ये प्राइमरी एल्कोहल होगा। तो आप देखेंगे जो प्राइमरी एल्कोहल्स होते हैं वो फास्ट रिएक्शन शो करते हैं, आसानी से मेटल एल्कोक्साइड्स बना सकते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल थोड़ा आसानी से नहीं बनाएंगे, और टर्शियरी एल्कोहल के केस में तो ये एल्कोक्साइड बनाना कठिन है क्योंकि OH बॉन्ड की पोलैरिटी कम है और CO की जो पोलैरिटी वो क्या है, अधिक है। तो ये हम बता सकते हैं कि कौन सा एल्कोहल जो है वो आसानी से एल्कोक्साइड प्रिपेयर करेगा। फिर हम देखेंगे जो सेकंड मेथड है प्रिपेयर करने का एल्कोक्साइड्स को, वो है कि वो मेटल एल्कोक्साइड, जो मेटल हाइड्रोक्साइड है उसकी रिएक्शन एल्कोहल से। तो जब हम एल्कोहल से रिएक्शन करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, जो वाटर है उसको हम बेंजीन के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और हमें क्या मिल जाएगा, एल्कोक्साइड मिल जाएगा। फिर आप तीसरा जो मेथड है प्रिपरेशन का वो है मेटल क्लोराइड से। मेटल क्लोराइड से हम कई तरीके से एल्कोक्साइड्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस मेथड में आप देखेंगे कि जो मेटल क्लोराइड है किसके, जो हाई वैलेंट मेटल्स हैं, जैसे TiO2 की जो वैलेंसी है वो 4+ है, तो वो क्या कर रहा है, एल्कोहल से रिएक्ट कर रहा है उसका क्लोराइड और क्या बना रहा है, आप देखेंगे ये बना रहा है एल्कोक्साइड। ऐसे ही सिलिकॉन का जो क्लोराइड है वो एल्कोहल से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सिलिकॉन, दिस इज सिलिकॉन
एल्कोक्साइड, ठीक है, तो इथोक्साइड बनाएगा सिलिकॉन का। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ HCl भी आ रहा है रिएक्शन में, और ये जो रिएक्शन है इन एब्सेंस ऑफ अमोनिया हो रही है। दूसरा मेथड आप देखेंगे कि मेटल क्लोराइड की रिएक्शन एल्कोहल से होगी लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। तो इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया कौन कौन से मेटल्स का जो क्लोराइड्स हैं वो यूज होंगे, यूरेनियम है, हॉफनियम है, जिरकोनियम है, लेंथेनम है, नियोबियम है, एंटीमनी है, थोरियम है, इनके जो मेटल्स हैं उनके क्लोराइड्स इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया मेटल एल्कोक्साइड बनाते हैं और जो HCl है उसको NH4Cl की फॉर्म में ले आएंगे। तो एक आपने मेथड देखा जहां पर मेटल क्लोराइड इन एब्सेंस ऑफ अमोनिया रिएक्ट करेंगे और एक में इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया रिएक्ट करेंगे। तीसरा केस आप देखेंगे जहां पर डबल क्लोराइड्स ऑफ मेटल्स जैसे सीरियम है, प्लूटोनियम है, ये एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। तो ये डबल क्लोराइड है, ये डबल क्लोराइड जब रिएक्शन करेगा तो आप देखेंगे कि ये क्या बन जाएगा, एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। और चौथा मेथड आप देखेंगे मेटल क्लोराइड के थ्रू कैसे एल्कोक्साइड्स की प्रिपरेशन होती है। तो क्या करेंगे, जो मेटल क्लोराइड्स हैं उनकी रिएक्शन लिथियम मिथॉक्साइड से कराई है जैसे यूरेनियम है और लेंथेनम है, इनके केस में हम इस रिएक्शन के थ्रू एल्कोक्साइड्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये जो मेथड आपने देखे ये क्लोराइड से प्रिपरेशन थी, चार तरीके के मेथड थे क्लोराइड से हम कैसे एल्कोक्साइड प्रिपेयर कर सकते थे। देन आप देखेंगे चौथा जो मेथड है वो है गिलमान मेथड। और गिलमान मेथड में हम क्या करते हैं, एक एल्कोक्साइड को दूसरे एल्कोक्साइड में कन्वर्ट किया जा सकता है बाई ऑक्सीडेशन। तो यूरेनियम का जो इथोक्साइड है उसकी हेल्प से ऑक्सीजन के थ्रू हम इस यूरेनियम का दूसरा हम क्या बना सकते हैं, पेंटा इथोक्साइड उसका हम बना सकते हैं, दूसरा एल्कोक्साइड प्रिपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट मेथड अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो प्रिपरेशन है वो डाई एल्काइल एमाइड से की जाती है। डाई एल्काइल एमाइड क्या है, देखिए ये है डाई एल्काइल एमाइड की रिएक्शन एल्कोहल से जब करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें एल्कोक्साइड मिलेगा। और एक्चुअली जो डाई एल्काइल अमाइड है वो भी हम ये अमाइड से प्रिपेयर करते हैं। तो ये अमाइड की रिएक्शन जब किसी की क्लोराइड से, और तो क्या बनाया इसने, डाई एल्काइल अमाइड बनाया। और ये जो डाई एल्काइल अमाइड है ये अल्कोहल से रिएक्शन करके क्या बनाता है, एल्कोक्साइड बनाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एक्चुअली ये जो प्रिपरेशन है ये भी इनडायरेक्टली फ्रॉम हैलाइड है, यानी क्लोराइड है, क्लोराइड से ही इनडायरेक्टली प्रिपरेशन है। नेक्स्ट मेथड आप देखेंगे कि एक एल्कोक्साइड से दूसरा एल्कोक्साइड बनाया जा सकता है, और उसके मेन दो मेथड है, एक है एल्कोहोलिसिस और एक है ट्रांस एस्टरीफिकेशन। एल्कोहोलिसिस में क्या करेंगे, हम यहां पर एक एल्कोक्साइड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ करेंगे। तो आप देखेंगे यहां पर जो ओ आर है ये ओ आर इस ओ सी टू एच फाइव को रिप्लेस करेगा और ये सी टू एच फाइव ओ एच बन जाएगा और ओ आर ग्रुप यहां आ जाएगा। तो एक एल्कोक्साइड से दूसरा एल्कोक्साइड बन रहा है। दूसरा मेथड क्या है, ट्रांस एस्टरीफिकेशन, जहां पर आप देखेंगे एक एल्कोक्साइड की रिएक्शन किससे की जाती है, एक एस्टर से। तो जो एस्टर का जो ये ग्रुप है ओ आर डैश ग्रुप, ये ओ आर को रिप्लेस करेगा और आप देख रहे हैं ये ओ आर की जगह पर ओ आर डैश आ गया और ये क्या बन गया, एक मेटल एल्कोक्साइड बन गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे हम डिफरेंट मेथड से क्या बना सकते हैं, मेटल एल्कोक्साइड्स बना सकते हैं। मेटल एल्कोक्साइड्स की अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम पहली बात करेंगे वोलेटिलिटी की, कितना वोलेटाइल है। तो उसकी वोलेटिलिटी किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है उसके कोऑर्डिनेशन नंबर पे, और इसकी वो कितने इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग बना सकता है, यानी अगर उसकी टेंडेंसी पॉलीमेरिक एल्कोक्साइड बनाने की होगी तो वो नॉन वोलेटाइल एल्कोक्साइड्स होंगे जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। और मेटल एल्कोक्साइड्स जहां पर आर ग्रुप बल्की होते हैं, बल्की ग्रुप होने का मतलब है कि जो पॉलीमराइजेशन है वो कम हो जाएगा, इसलिए मोनोमेरिक एल्कोक्साइड बनेंगे जो कि कैसे होंगे, वोलेटाइल होंगे नेचर में। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर पॉलीमेरिक एल्कोक्साइड होंगे तो वो नॉन वोलेटाइल होंगे, और अगर मोनोमेरिक एल्कोक्साइड्स होंगे तो वो वोलेटाइल एल्कोक्साइड्स होंगे। अगर हम उन पर टेम्परेचर का इफेक्ट देखें तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर के इफेक्ट से जनरली जो एल्कोक्साइड्स हैं वो एल्डिहाइड देते हैं, एल्कोहल्स देते हैं, ईथर्स देते हैं, ओलिफिन्स देते हैं, तो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स, और जनरली एल्कोहल तो बनेगा ही बनेगा क्योंकि एल्कोहल से वो बने हुए हैं। फिर अगर आप उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर जाएंगे तो जनरली जो मेटल एल्कोक्साइड्स होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो अधिकतर केसेस में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स वो बनाएंगे। ओके,
देन हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर जाएं। केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग तरीके की रिएक्शंस ये मेटल एल्कोक्साइड शो करते हैं। तो अगर हम इनका हाइड्रोलिसिस देखेंगे तो ये हाइड्रोलिसिस पर आप देखेंगे ये क्या बनाएंगे, आप देखिए ये एल्कोहल बनाएंगे और हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जनरली ये हाइड्रोलिसिस पर क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं, एल्कोहल। ओके, और अगर हम जो इसका हाइड्रोलिसिस अगर कंट्रोल्ड कंडीशन में करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, मेटल ऑक्साइड एल्कोक्साइड्स मिलेंगे। तो जनरली जो मेटल एल्कोक्साइड्स हैं वो बहुत आसानी से वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोलिसिस उनका बहुत आसानी से होता है। तो वो जनरली क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं एंड एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। बट अगर हम कंट्रोल्ड करेंगे उसका हाइड्रोलिसिस तो हमें क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड एल्कोक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है। दूसरे तरीके की जो रिएक्शंस ये शो करते हैं वो है एल्कोहोलिसिस, जहां पर आप देखेंगे कि दूसरा एल्कोक्साइड प्रिपेयर किया जा सकता है। और यहां पर आप देखेंगे जो एल्कोक्साइड है जब वो एल्कोहल से रिएक्शन करता है तो एल्कोहल में अगर आर ग्रुप क्या होगा, स्ट्रेट चेन होगा तो रिएक्शन फास्ट होती है, अगर ये ब्रांच्ड आर ग्रुप होगा तो ये रिएक्शन स्लो होती है। और वहां पर आप देखेंगे मिक्स्ड एल्कोक्साइड मिलते हैं, मिक्स्ड आप देखेंगे इसमें ओ आर ग्रुप भी है और ओ आर डैश ग्रुप भी प्रेजेंट है। थर्ड टाइप की रिएक्शन आप देखेंगे ग्लाइकोल्स के साथ रिएक्शन, तो ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करके जो जो एल्कोक्साइड है वो 2 मोल ऑफ क्या देता है, एल्कोहल्स प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन हम देखेंगे वो है रिएक्शन विद हेलोजन्स एंड हेलाइट। तो जब ये एल्कोक्साइड हेलोजन हेलाइट से रिएक्शन करता है या हेलोजन से रिएक्शन करता है तो ये एल्कोक्साइड डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन करता है। और नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे कि रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड। तो जब ये एल्कोक्साइड एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो ये जो एल्कोक्सी ग्रुप है ये हेलोजन से रिप्लेस होता है। तो आप देखिए यहाँ पर OC2H5O4 है और यहाँ देखिए एक OC2H5 किससे रिप्लेस हो गया, यहाँ की क्लोरीन से, क्लोराइड से। तो इस तरीके से आप देखेंगे जनरली जो एल्कोक्सी ग्रुप है उसको कौन रिप्लेस करता है, हेलोजन रिप्लेस करता है। तो ये रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड के साथ ये शो करता है। फिर आप देखेंगे जो रिएक्शन है इसकी ये कार्बोनिल कंपाउंड के साथ भी रिएक्शन शो करता है और स्पेसिफिकली इस रिएक्शन को हम कहते हैं मीर वीन पोंड्रोफ वर्ले रिएक्शन, जो कि क्या है, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे ये एक एल्डिहाइड है और ये जो एल्डिहाइड है इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड जो कि एक एल्कोक्साइड है उसकी प्रेजेंस में ये रिड्यूस होता है, रिड्यूस होके क्या बना रहा है, प्राइमरी एल्कोहल। तो जो एल्डिहाइड्स हैं वो बनाएंगे प्राइमरी एल्कोहल और जो कीटोन्स हैं वो क्या बनाएंगे, सेकेंडरी एल्कोहल में रिड्यूस होंगे। इस रिएक्शन को हम कहते हैं मीर वीन पोंड्रोफ वर्ले रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे रिएक्शन विद इथेनोलोमिन अमीन्स, सब्स्टिट्यूटेड एल्कोहल्स का फॉर्मेशन होता है। जो इथेनोलोमिन होते हैं ये जो एल्कोक्साइड है उनसे रिएक्शन करके आप देखेंगे ये जो ग्रुप है, देखिए C2H4NH2O ग्रुप, ये OR को रिप्लेस कर देगा यहाँ पर। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूटेड एल्कोहल्स का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर एल्कोहल बन जाएगा। देखिए H ग्रुप और OR ग्रुप मिलके यहाँ पर क्या बना देंगे, ROH ग्रुप। नेक्स्ट रिएक्शन आप देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन और कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करके अगेन ये जो OR ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। तो कहीं पर आप देखेंगे कंप्लीट रिप्लेसमेंट है जैसे एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के केस में और कहीं पर कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं है, बट यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो रिप्लेस कर रहा है OR ग्रुप को। और फाइनली आप देख रहे हैं जो दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है अधिकतर रिएक्शन में वो क्या बन रहा है, ROH यानी एल्कोहल बन रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन आप देखेंगे जो एल्कोक्साइड्स हैं दे आल्सो रिएक्ट्स विद बीटा डाइकीटोन, ये बीटा डाइकीटोन से रिएक्शन करता है जैसे एसिटाइल एसीटोन से रिएक्ट कर रहा है और यहां पर OR ग्रुप को अगेन रिप्लेस कर रहा है ACAC से और ROH बना रहा है। तो मैक्सिमम रिएक्शंस में आप देखेंगे सब्स्टिट्यूशन टाइप्स है जो OR ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है दूसरे
groups ko. Okay, so these are the different chemical properties. Now we will discuss about the structure of metal alkoxide. अब हम metal alkoxides की structure को discuss करेंगे और देखेंगे कि कुछ ऐसे alkoxides होते हैं जैसे potassium के, rubidium के, cesium के, ये कैसे होते हैं, tetrameric होते हैं nature में. Beryllium का जो butoxide है ये trimeric होता है nature में. स्ट्रेट चेन एल्कोक्साइड जो एल्यूमिनियम के एल्कोक्साइड्स होते हैं वो टेट्रामेरिक होते हैं नेचर में. एल्यूमिनियम के आइसोप्रोपोक्साइड जो होते हैं वो ट्राइमेरिक भी हो सकते हैं और टेट्रामेरिक भी हो सकते हैं. और अगर आप टाइटेनियम के एल्कोक्साइड्स देखेंगे तो वो टेट्रामेरिक होते हैं. तो जनरली जो एल्कोक्साइड्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो कई सारी पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दे में भी ट्राइमेरिक, दे में भी टेट्रामेरिक. तो इस तरीके से उनके स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए ये बेरिलियम का क्या है, एल्कोक्साइड है जो कि ट्राइमेरिक फॉर्म में है. आप देखिए ये बेरिलियम के साथ आप देखेंगे, देखिए तीन बेरिलियम है और तीन बेरिलियम के साथ छह टर्ब्यूटाइल ग्रुप्स हैं, ब्यूटोक्साइड ग्रुप है. देखिए यहाँ पर तो आप देखिए ये किस फॉर्म में है, ये एक ट्राइमेरिक फॉर्म में है. ओके, तो ये जो आप देखेंगे एक बेरिलियम को अगर आप देखेंगे जो इधर कॉर्नर में है वहां पर आप देखेंगे ये ट्राई कोऑर्डिनेटेड है, जबकि सेंटर वाला जो बेरिलियम है ये टेट्रा कोऑर्डिनेटेड है और ऑक्सीजन के थ्रू ये जुड़ा हुआ है. ओके, इथोक्साइड जो जो ब्यूटोक्साइड है उससे ये ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा हुआ है. ये जो स्ट्रक्चर है ये है एल्यूमिनियम के जो एल्कोक्साइड है उसका ये टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर है. और टेट्रामेरिक में आप देखेंगे कि चार एल्यूमिनियम है और जो चार एल्यूमिनियम है वो इस तरीके से जुड़ी है कि जो किनारे की जो एल्यूमिनियम आपको दिख रही है ये टेट्रा कोऑर्डिनेटेड है. एक दो तीन चार, चार एल्कोक्साइड ग्रुप से जुड़ी है, जबकि जो बीच वाली जो एल्यूमिनियम है वो सिक्स कोऑर्डिनेटेड है और छह ओआर ग्रुप से ये जुड़ी हुई है. तो इस तरीके से ये टेट्रामेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ये ट्राइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. ये अगर आप देखेंगे जो एल्यूमिनियम का एल्कोक्साइड है वो मेरिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है, आपने देखा था. और यहां पर देखिए जो एल्यूमिनियम है वो एक लीनियर पोजीशन पर है. ठीक है, तो जो जो ट्राइमेरिक फॉर्म है इसकी एल्यूमिनियम की आप देखेंगे, आपसे मैंने ये भी कहा कि जो जो लीनियर जो एल्यूमिनियम लीनियर फॉर्म में यहाँ पर है और यहाँ पर एक एल्यूमिनियम जो है वो चारों ओर से चार एल्कोक्साइड ग्रुप से, दो एल्यूमिनियम है जो सराउंडेड है और जो बीच की जो एल्यूमिनियम है वो पांच ओआर ग्रुप से सराउंडेड है. अगर आप टाइटेनियम के एल्कोक्साइड को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर चार टाइटेनियम के ऑक्टाहेड्रा TiO6 ये देखिए एजेस से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं. आप देखिए ये स्क्वायर प्लेनर पार्ट दिख रहा है आपको इसका, और ये ऑक्टाहेड्रल का जो अपर एंड जो प्लेन के नीचे का पार्ट है ये आपको दिख रहा है. तो चार जो TI है वो एक प्लेन में होते हैं और जो ऑक्टाहेड्रा है TiO6 ये एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली बाइंड होते हैं, एजेस के थ्रू ये शेयर करते हैं. तो आप देखेंगे हर एक जो टाइटेनियम है उसके साथ छह OR ग्रुप्स बाइंडेड है. तो इस तरीके से जो TiO4 है ये एक टेट्रामेरिक स्पीसीज है. अगर एल्कोक्साइड्स आप देखेंगे यूरेनियम, नियोबियम एंड टेंटेलनम के तो वो कैसे होते हैं, डाइमेरिक होते हैं. और इस केस में आप देखेंगे कि दो ऑक्टाहीड्रा जो होंगे ऑक्साइड के, मेटल ऑक्साइड के, वो एक दूसरे से एज के थ्रू जुड़े रहेंगे. तो एक मेटल सेंटर के चारों ओर छह एल्कोक्सी ग्रुप्स अरेंज्ड होंगे. तो आप देख सकते हैं देखिए डाइमेरिक स्ट्रक्चर है, देन आपने ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर देखा, देन आपने टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर एक आपने इस तरीके का देखा और एक टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर इस तरीके का देखा, एक ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर आपने इस तरीके का देखा, ये ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर आपने दूसरे तरीके का देखा. तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर जो है वो होते हैं मेटल एल्कोक्साइड्स की. अगर हम मेटल एल्कोक्साइड्स की एप्लीकेशन देखें तो बहुत एप्लीकेशन है इनकी. ये किस में यूज होते हैं, दे यूज्ड टू ड्राई द प्रिंटिंग इंक्स, प्रिंटिंग इंक्स और पेंट्स को ड्राई करने के लिए जिरकोनियम एंड टाइटेनियम के एल्कोक्साइड्स यूज किए जाते हैं. ये जो एल्कोक्साइड्स हैं ये एडहेसिव पावर बढ़ाते हैं पेंट्स की, जैसे टाइटेनियम के जो एल्कोक्साइड्स हैं ये पेंट्स की एडहेसिव पावर को बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं. दूसरा आप देखेंगे क्योंकि ड्राइंग एजेंट की तरह यूज हो रहे हैं तो ये मॉइस्चर को रिमूव कर सकते हैं पेंट्स से और उसकी वाटर रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं, इसलिए पेंट में एल्कोक्साइड्स मिलाए जाते हैं. तो इसमें जो एल्यूमिनियम और एल्कोक्साइड है वो पेंट में वाटर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है. और आपने
देखा कि ये जो एल्कोक्साइड्स है ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस में भी हेल्पफुल है। तो अगर कहीं पर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन को एल्कोहल्स में कन्वर्ट करना है, इनको एल्डिहाइड्स को प्राइमरी एल्कोहल में एंड कीटोन्स को सेकेंडरी एल्कोहल में, तो हम किन का यूज कर सकते हैं? एल्यूमिनियम के जनरली जो आइसोप्रोपॉक्साइड्स हैं वो यूज किए जाते हैं। जो एल्यूमिनियम के एल्कोक्साइड्स हैं दे आर ऑल्सो यूज एज लुब्रिकेंट्स, ये लुब्रिकेंट की तरह भी यूज किए जाते हैं। और आप देखेंगे जो जिरकोनियम एल्कोक्साइड्स हैं ये टेक्सटाइल फाइबर को वाटर रिपेलेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ओवरऑल अगर आप एक्टिविटी देखेंगे इनकी, इनकी एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देखेंगे, तो ओवरऑल आप ये देखेंगे कि जो मेटल एल्कोक्साइड्स हैं वो वाटर रेजिस्टेंट बना रहे हैं टेक्सटाइल फाइबर्स को, प्रिंटिंग इंक्स को, पेंट्स को, एडहेसिव पावर बढ़ा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस में भी दे आर वेरी यूजफुल, स्पेशली इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा जो जो एल्कोक्साइड्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट मटेरियल हैं और वो कैसे यूज किए जा सकते हैं इंडस्ट्री में। जनरली दे यूज्ड टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड मेक द सब्सटेंसेस वाटर फ्री, वाटर रेजिस्टेंस बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो एक बार हम इसको समराइज करेंगे, जो हमारा लेक्चर है हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि मेटल एल्कोक्साइड होते क्या है। और ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं जनरली इनका फॉर्मूला MORX होता है। दो तरीके से हम इनको क्लासिफाई कर पा रहे थे, एक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग नॉर्मल सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोक्साइड्स होते हैं, दूसरे के अकॉर्डिंग नॉर्मल डबल एंड पॉलीमेरिक एल्कोक्साइड्स हो सकते हैं। फिर आपने देखा कि जो इनके प्रिपरेशन के मेथड हैं, प्रिपरेशन के मेथड मेन क्या थे कि मेटल की रिएक्शन विद एल्कोहल, और ये किस पर डिपेंड करती है, एल्कोहल के टाइप के ऊपर डिपेंड करती है कि रिएक्शन कितनी फास्ट होगी। तो आप दूसरा आपने देखा हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन विद एल्कोहल, तीसरा आपने देखा मेटल क्लोराइड्स की रिएक्शन एल्कोहल के साथ, तो वो इन अब्सेंस ऑफ अमोनिया हो सकती है, इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया हो सकती है, डबल क्लोराइड्स की रिएक्शन हो सकती है इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया एंड लिथियम मिथॉक्साइड के साथ रिएक्शन के थ्रू मेटल एल्कोक्साइड्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं। फिर आपने देखा जो गिलमैन मेथड है उसमें ऑक्सीडेशन के थ्रू हम दूसरा एल्कोक्साइड बना सकते हैं, डाई अल्काइल अमाइड जो कि इनडायरेक्ट यूज करता है जो मेटल क्लोराइड है उसका, उसके थ्रू भी हम मेटल एल्कोक्साइड बना सकते हैं। फिर आपने देखा कि एल्कोहलेसिस या फिर ट्रांस एस्टरीफिकेशन के थ्रू हम मेटल एल्कोक्साइड्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे तो वोलेटिलिटी, अगर वो पॉलीमेरिक फॉर्म है तो लो वोलेटाइल होगा, ठीक है, नॉन वोलेटाइल होगा, अगर वो मोनोमेरिक है तो वोलेटाइल होगा। टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जनरली एल्कोहल्स बनते हैं और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। अगर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे तो दे अंडरगो हाइड्रोलिसिस वेरी इजीली, एल्कोहोलिसिस ये आसानी से एल्कोहल से रिएक्शन करके मिक्सड टाइप के एल्कोक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। सारी रिएक्शन में आप देखेंगे एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लाइकोल से रिएक्शन कर सकते हैं, 2 मोल ऑफ एल्कोहल से रिमूव कर सकते हैं, हेलोजन या हैलाइड से रिएक्शन करके एल्कोक्साइड डेरिवेटिव बनाएंगे, एसिटाइल हैलाइड से रिएक्शन कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हैलाइड जो है वो एल्कोक्सी ग्रुप को रिमूव करेगा। फिर आपने देखा ये रिडक्शन का काम करते हैं, मीरविन पोंड्रोफ वर्ले रिएक्शन के थ्रू कैटालिस्ट की तरह एक्ट करते हैं जो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड होता है। इथेनोलोमीन से ये रिएक्शन करते हैं और ये सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कर सकते हैं, डाइकीटोन से ये रिएक्शन कर सकते हैं। फिर आपने स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर आपने देखा इनका, ये जनरली डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ट्राइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या टेट्रामेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो ये यूरेनियम, नियोबियम, टेंटेलम के जो एल्कोक्साइड्स हैं ये डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एल्यूमिनियम है देखिए ये ट्राइमेरिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, और बेरिलियम है ये ट्राइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। एल्यूमिनियम के जो एल्कोक्साइड्स हैं वो टेट्रामेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या टाइटेनियम के जो एल्कोक्साइड्स हैं वो टेट्रामेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। फिर आपने इनकी एप्लीकेशंस देखी, और एप्लीकेशंस स्पेशली आपने देखी कि ये ड्राइंग एजेंट की तरह यूज हो रहे हैं, वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी बढ़ा रहे हैं, इसलिए लुब्रिकेंट्स की तरह भी यूज होते हैं, और ऑर्गेनिक सिंथेसिस में दे यूज्ड एज कैटालिस्ट, स्पेशली जो एल्यूमिनियम के एल्कोक्साइड्स हैं वो कहां पर यूज होते हैं, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज होते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी मेटल एल्कोक्साइड्स। So, thank you very much.